हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्यूटोरियल में मेंस लॉन्ग शर्ट बनाएंगे। हर एक पार्ट बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, मास्टर पैटर्न से एंड तक। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये ट्यूटोरियल उन सभी बिगनर्स के लिए है जो मैन्युअली या कैड में पैटर्न बनाना चाहते हैं। ये मेजरमेंट शीट है, एल साइज का हमने लिया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मास्टर पैटर्न बनाएंगे, फ्रंट बैक एंड शोल्डर का पैटर्न बनाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल बनाते हैं, टोटल लंबाई लेंगे एचपीएस टू बॉटम 75 सेंटीमीटर एंड विथ लेंगे चेस्ट का हाफ में 27 सेंटीमीटर। शोल्डर लाइन का ड्रॉ करेंगे एचपीएस से 11 सेंटीमीटर, बिकॉज बैक योक शोल्डर हाइट का मेजरमेंट है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर है एंड बैक नेक ड्रॉप है 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अभी हम अक्रॉस फ्रंट एंड बैक का प्लेसमेंट का लाइन ड्रॉ करेंगे एचपीएस से। दोनों के लिए सेम रहेगा 17 सेंटीमीटर। ये आर्मोल के मिडल में रहेगा, ये शर्ट का मेन थिंग है। नेक्स्ट अभी चेस्ट लाइन का ड्रॉ करेंगे। चेस्ट लाइन का प्लेसमेंट 29.5 सेंटीमीटर रहेगा फ्रॉम एचपीएस से। चेस्ट का जो लाइन हमने लिया है उसे हाफ चेस्ट को दो भाग में डिवाइड करके 2.5 सेंटीमीटर प्लस करके 29.5 लिया है। नेक्स्ट अभी हम वेस्ट लाइन का ड्रॉ करेंगे। वेस्ट लाइन का प्लेसमेंट 47 सेंटीमीटर रहेगा एचपीएस से। नेक्स्ट अभी हम बॉटम एंड टेल हाइट का ड्रा करेंगे। टेल हाइट बॉटम से 5 सेंटीमीटर रहेगा। जनरली जो टेल हाइट होता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है। बॉटम से 5 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रा करेंगे। अभी एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, इसे राउंड शेप देंगे। नेक्स्ट अभी हम नेक विथ एंड फ्रंट ड्रॉप का ड्रॉ करेंगे। नेक विथ का मार्क करेंगे। नेक विथ का मेजरमेंट है 13.5 सेंटीमीटर है। हम हाफ में पैटर्न बना रहे हैं तो हाफ में मार्क करेंगे 6.75 सेंटीमीटर में। नेक्स्ट अभी हम नेक बैक ड्रॉप का मार्क करेंगे एचपीएस से 1 सेंटीमीटर में। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ड्रॉप है। नेक्स्ट अभी एक लाइन खींचेंगे। इसे शेप देंगे। नेक्स्ट अभी हम फ्रंट नेक ड्रॉप का मार करेंगे। फ्रंट नेक ड्रॉप का जो मेजरमेंट है एचपीएस से 10.5 सेंटीमीटर है, तो हम एचपीएस से 10.5 सेंटीमीटर पर एक मार करेंगे। अभी एक लाइन खींचेंगे विथ टू ड्रॉप, इससे अभी शेप देंगे। नेक्स्ट अभी हम अक्रॉस शोल्डर का मार्क एंड ड्रॉ करेंगे। अक्रॉस शोल्डर का मेजरमेंट है 45 सेंटीमीटर है, उसे हम हाफ में 22.5 सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे एंड स्लोप का मार्क हम 5 सेंटीमीटर रखेंगे। अभी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे
और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आर्मोल का लाइन है, इसे कर्व शेप देंगे। उससे पहले हम आक्रोस बैक का मार्क करेंगे। आक्रोस बैक 43 सेंटीमीटर है, उसे हाफ में हम 21.5 सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे। मार्क हो चुका है, अभी इसे कर्व शेप देंगे। नेक्स्ट अभी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये फ्रंट का है, इसे कर्व शेप देंगे। उससे पहले अक्रॉस फ्रंट का मार्क करेंगे। अक्रॉस फ्रंट 41 सेंटीमीटर है, उसे हाफ में हम 20.5 सेंटीमीटर में मार्क करेंगे। नेक्स्ट अभी फ्रंट आर्मोल को शेप देंगे। नेक्स्ट अभी हम वेस्ट का मार्क एंड ड्रॉ करेंगे। वेस्ट 51 सेंटीमीटर है, उसे हम हाफ में 5.5 सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे। नेक्स्ट अभी हम शोल्डर फॉरवर्ड का लाइन खींचेंगे। शोल्डर फॉरवर्ड का मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींचेंगे। पॉइंट को डिलीट करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अभी हम आगे की तरफ 1.25 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे। ये फ्रंट का लाइन है। नेक्स्ट अभी फ्रंट पट्टी का फोल्डिंग का ड्रॉ करेंगे। फ्रंट पट्टी का जो फोल्ड होगा वो 1.5 सेंटीमीटर है, तो हम डबल में 5 सेंटीमीटर आगे की तरफ लिंगा लेंगे। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, इधर से फोल्ड होगा, 3.3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे। एक्स्ट्रा नहीं तो भी ये चलेगा।
मास्टर पैटर्न बन चुका है, सेपरेट करके देखते हैं। ये फ्रंट है, ये हाफ बैक है। नेक्स्ट अभी हम शोल्डर का पैटर्न बनाएंगे। एचपीएस को ऊपर की तरफ 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे कट करेंगे। शोल्डर का पैटर्न रेडी हो चुका है। नेक्स्ट अभी एक्स्ट्रा लाइन को कट करेंगे। आप देख सकते हैं क्लियरली मास्टर पैटर्न बन चुका है। नेक्स्ट अभी हम 0.3 अंदर की तरफ लेंगे। इसको भी 0.3 अंदर की तरफ लेंगे। नेक्स्ट अभी हम फ्रंट बैक शोल्डर का पैटर्न सेपरेट करेंगे। फ्रंट का पैटर्न सेपरेट हो गया है, इसे अभी हम सीम ऐड करेंगे एंड बॉटम पे एक्स्ट्रा सीम ऐड करेंगे।
हाफ बैक का पैटर्न अभी सेपरेट हो चुका है, अभी हम इसे फोल्ड ओपन करेंगे एंड सीम ऐड करेंगे एंड बॉटम पर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। हाफ शोल्डर का भी पैटर्न सेपरेट हो चुका है, इसे फोल्ड ओपन करेंगे एंड सीम ऐड करेंगे एंड नेक में 0.8 सेंटीमीटर रखेंगे। अभी हम बैक टॉप कॉर्नर पे 1.20 नीचे की तरफ डाउन करेंगे एंड फ्रंट को भी करेंगे। नेक्स्ट अभी हम आर्महोल का सरकम चेक करेंगे। आर्महोल का जो टोटल सरकम है वो 52 सेंटीमीटर चाहिए।
नेक्स्ट अभी हम लेफ्ट फ्रंट को कॉपी करेंगे, इसे फ्लिप करेंगे, अपोजिट करेंगे राइट फ्रंट के लिए, 1 सेंटीमीटर रिड्यूस करेंगे सामने से, बिकॉज जो राइट साइड का बटन पट्टी का जो विथ है वो 2 सेंटीमीटर रहेगा, तो डबल में 4 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हमने माइनस कर दिया है। नेक्स्ट अभी हम स्लीव का पैटर्न बनाएंगे, उससे पहले बैक एंड फ्रंट का आर्मोल का सर्कम चेक करेंगे। स्लीव का पैटर्न बनाते हैं, स्लीव का जो टोटल लंबाई रहेगा वो 65 सेंटीमीटर, उसमें से हम जो कप का है 5.5 सेंटीमीटर हम घटा देंगे। एक रेक्टेंगल बनाते हैं, लंबाई लेंगे 59.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ लेंगे मसल का 20.5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल बन चुका है। नेक्स्ट अभी हम कैप हाइट का ड्रॉ करेंगे 14.2 में। स्लीव का जो कैप हाइट हमने लिया है, हाफ चेस्ट को फोर्थ भाग में डिवाइड करके 0.7 सेंटीमीटर प्लस करके 14.2 लिया। नेक्स्ट अभी हम एल्बो प्लेसमेंट का ड्रॉ करेंगे 30.5 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट अभी हम स्लीव ओपनिंग का ड्रॉ करेंगे, स्लीव ओपनिंग का कप के अकॉर्डिंग रहेगा एंड कप का क्लोज का मेजरमेंट देखते हैं। कप का क्लोज का जो मेजरमेंट है वो 11.5 सेंटीमीटर है इस तरह से, इसको अभी हम डबल करेंगे 23 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर हम लोग प्लस करेंगे ओवरलैपिंग के लिए एंड उसके बाद और 2.5 सेंटीमीटर हम प्लस करेंगे प्लीट का, टोटल हमारा 28 सेंटीमीटर हो गया। इसमें से 1 सेंटीमीटर माइनस करेंगे बिकॉज जब हमारा स्लीव ब्रैकेट का पैटर्न बनता है तो तभी स्लीव ओपनिंग 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है, तो 1 सेंटीमीटर हम माइनस करके 27 लेंगे। अभी इसको हम हाफ में मार्क करेंगे, हाफ में 13.5 सेंटीमीटर में एक मार्क करेंगे। नेक्स्ट अभी हम एल्बो का मार्क करेंगे, एल्बो का मेजरमेंट 17.5 सेंटीमीटर है तो 17.5 सेंटीमीटर पर एक मार्क करेंगे। नेक्स्ट अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ओपनिंग टू मसल तक। नेक्स्ट अभी हम स्लीव सर्कम का लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे कर्व शेप देंगे, ये फ्रंट साइड है।
फ्रंट एंड बैक के आइडेंटिफाई के लिए छोटा सा एक लाइन खींचेंगे। नेक्स्ट अभी हम और एक लाइन खींचेंगे बैक साइड के लिए, इसे कर्व शेप देंगे। हाफ पैटर्न स्लीव का बन चुका, अभी इसे हम ओपन करेंगे स्लीव को। ओपन हो चुका है, अब इस लाइन को हम डिलीट करेंगे। एक तरफ हमारा फ्रंट साइड है एंड एक तरफ हमारा बैक साइड है, जो हमने इसे कट करना है। नेक्स्ट अभी हम स्लीव प्लेकेट का ड्रॉ करेंगे एंड प्लीट का ड्रॉ करेंगे। स्लीव प्लेकेट का जो प्लेसमेंट रहेगा वो कप लेंथ के अकॉर्डिंग रहेगा। कप लेंथ 20.5 सेंटीमीटर है, उसे हम चार भाग में डिवाइड करेंगे 6.375। इसमें अभी 0.4 प्लस करेंगे 6.775 पर एक मार्क करेंगे। नेक्स्ट अभी हम स्लीव पट्टी का पैटर्न बनाएंगे। स्लीव प्लेकेट का जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है एंड विड्थ 2 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अभी हम विड्थ का ड्रॉ करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर दोनों साइड में ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अभी हम स्लीव बॉक्स का ड्रॉ करेंगे। स्लीव बॉक्स का जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अभी हम स्लीव पट्टी का पॉइंट को वी शेप देंगे। दोनों साइड पे 2.5 सेंटीमीटर पर एक मार्क करेंगे, मिड पॉइंट पर एक मार्क करेंगे। अभी इसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अभी हम स्लीव प्लेकेट का मिडल पर 11 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक कट होगा एंड दोनों साइड में क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे
स्लीव प्लेकेट का पैटर्न बन चुका है। नेक्स्ट अभी हम प्लीट का ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर पर एक मार्क करेंगे एंड अभी नॉच बाद ऐड करेंगे, सेंटीमीटर पर ड्रॉ करेंगे। अभी से नोट ऐड करेंगे। स्लीव का पैटर्न बन चुका है, अभी इसे हम सेपरेट करेंगे एंड सीम ऐड करेंगे। सरकम में एक्स्ट्रा मार्जिन यूज करेंगे। नेक्स्ट अभी हम कप का पैटर्न बनाएंगे। कप का जो लेंथ है 25.5 सेंटीमीटर रहेगा एंड विड्थ रहेगा 5.5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल बनाते हैं। अभी नेक्स्ट कॉर्नर पे राउंड शेप देंगे। कप का पैटर्न बन चुका है, इसे सीम ऐड करेंगे।
नेक्स्ट अभी हम स्लीव प्लेकेट का सेल्फ कट के लिए पैटर्न बनाएंगे। ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल बनाएंगे, लंबाई लेंगे 15 सेंटीमीटर एंड विड्थ लेंगे 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अभी हम 2 सेंटीमीटर आगे की तरफ लेंगे, डबल फोल्ड होगा। ड्रॉ हो चुका है, अभी इसे सेपरेट करेंगे एंड सीम ऐड करेंगे। नेक्स्ट अभी हम स्मॉल स्लीव पैकेट का पैटर्न बनाएंगे, यहां से सेपरेट करेंगे। स्मॉल स्लीव पट्टी का पैटर्न बन चुका है। नेक्स्ट अभी हम रेडियस स्लीव पैटर्न का पैटर्न बनाएंगे। ये भी बन चुका है जो हमने ड्रॉ किया स्लीव का पैटर्न, इसे डिलीट करेंगे एंड फ्रंट का भी डिलीट करेंगे जो हमने ड्रॉ किया है। नेक्स्ट स्लीव एंड फ्रंट पर नोच ऐड करेंगे एंड बैक साइड पर डबल नोच ऐड करेंगे।
नेक्स्ट अभी कॉलर का पैटर्न बनाएंगे, उससे पहले नेक का सरकम चेक करेंगे। नेक का हाफ सर्कम में 22.39 सेंटीमीटर आ रहा है। नेक्स्ट अभी हम कॉलर का पैटर्न बनाएंगे। कॉलर का जो टॉप का सेंटर का हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, कॉलर का बैंड का सेंटर का हाइट 3 सेंटीमीटर है एंड कॉलर का कास्ट टू बटन 41 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल बनाते हैं हाफ लेंथ में, पैटर्न बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाते हैं, लेंथ लेंगे 20.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ लेंगे 7 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल बन चुका है। नेक्स्ट अभी ऊपर से नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर में एक लाइन खींचेंगे। नेक्स्ट अभी हम पिक का ड्रॉ करेंगे, 1.9 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम 1.25 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे नीचे की तरफ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे शेप देंगे। नेक्स्ट अभी हम 0.8 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे। नेक्स्ट अभी हम 17 सेंटीमीटर पर एक मार्क करेंगे। एंड आगे 0.5 सेंटीमीटर के ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। इसे शेप देंगे।
अनवांटेड लाइन को डिलीट करेंगे। नेक्स्ट अभी हम कॉलर पॉइंट का ड्रॉ करेंगे। कॉलर पॉइंट का जो विथ है वो 5.5 सेंटीमीटर है। 0.5 सेंटीमीटर बाहर की तरफ मार्क करेंगे। अभी पॉइंट का ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट अभी हम कॉलर पॉइंट का ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट अभी हम कॉलर आउटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे शेप देंगे। इसे डिलीट करेंगे। सेंटर काज के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट पर एक मार्क करेंगे, यहाँ पर एक काज होगा। हाफ पैटर्न बन चुका है। इससे अभी मेजर चेक करने के लिए उस हाफ पैटर्न बन चुका है, इसका भी मेजर चेक करेंगे एंड उसके बाद सीम ऐड करेंगे। इसको फोल्ड ओपन करेंगे। ये रेडी पैटर्न है, इसे सीम ऐड करेंगे। कॉलर का पैटर्न बन चुका, अभी इसे कॉपी करेंगे। सेल्फ फैब्रिक कट के लिए सीम ऐड करेंगे। नेक्स्ट अभी हम फ्रंट का पॉकेट बनाएंगे एंड फ्रंट का पॉकेट का प्लेसमेंट मार्क करेंगे। पॉकेट की जो लंबाई रहेगा 12.5 सेंटीमीटर है एंड विड्थ जो रहेगा वो 11 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल बनाएंगे।
एंड नेक्स्ट 10.5 सेंटीमीटर पर एक मार्क करेंगे दोनों साइड पे, मार्क हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम मिड पॉइंट पर एक मार्क करेंगे, हम वी शेप पॉकेट बना रहे हैं, मिड पॉइंट पर मार्क हो चुका है। अभी एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड पर, पॉकेट का पैटर्न बन चुका है। नेक्स्ट अभी कॉपी करेंगे सेल्फ फैब्रिक कट के लिए, सीम ऐड करेंगे। नेक्स्ट अभी कॉलर और बैंड पर नोच ऐड करेंगे, ये नेसेसरी है। ऐड करेंगे फ्रंट के साथ अटैच करके देखते हैं। एंड नेक्स्ट अभी शोल्डर के साथ चेक करेंगे। अभी देख सकते हैं ये हमारा ओके आ रहा है। नेक्स्ट अभी फ्रंट पॉकेट का प्लेसमेंट का मार्क करेंगे, फ्रंट का जो प्लेसमेंट रहेगा एचपीएस से 12.5 सेंटीमीटर है एंड साइड से कास्ट तक 5 सेंटीमीटर रहेगा। चलो एचपीएस से नीचे की तरफ मार्क करते हैं, 4 सेंटीमीटर माइनस करके हम 18.5 सेंटीमीटर पर एक मार्क करेंगे। नेक्स्ट अभी हम गाइडलाइन लेंगे, अभी इस पॉइंट को डिलीट करेंगे, 5 सेंटीमीटर पर एक मार्क करेंगे। लाइन खींचेंगे मेजर चेक करने के लिए। ऊपर के तरफ 4 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, ये ओनली मेजर लेने के लिए है।
कप को कॉपी करेंगे, इसका सीम जीरो करेंगे रेडी के लिए, नेक्स्ट अभी हम कांच का ड्रिल का माल करेंगे, मार्क करते सिक्स काज रहेगा, मोस्टली शर्ट में सिक्स काज रहता है। फर्स्ट मार्क हम नेक से 1.5 सेंटीमीटर में करेंगे एंड जो बॉटम से ऊपर की तरफ 14 सेंटीमीटर रहेगा। काज बटन का मार्क हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी पैटर्न बन चुका है। आप एक्स्ट्रा मार्जिन यूज कर सकते हैं बैक साइड एंड स्लीव साइड पर। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।